नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के ऊपर। इस स्टॉक को डिस्कस करने की वजह क्या है दोस्तों, आपको पता है सुप्रिया लाइफ साइंस का IPO आया था और दोस्तों मैंने आप सबको बोला था घर के जितने भी फैमिली मेंबर हो उन सब में ये लगना चाहिए और आपको भरना चाहिए। अगर वो लगता है तो आपको जैकपॉट साबित होगा और अच्छा रिटर्न भी देगा। और दोस्तों वैसा हुआ है, 275 के आसपास का IPO का प्राइस था, वो 471 का अभी भी 17% की गिरावट के बाद 471 है। दोस्तों गिरावट के पीछे की वजह क्या है उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे, क्या गिरावट जारी रहेगी इस लेवल के नीचे, इम्पोर्टेंट लेवल क्या है उसके ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज दोस्तों कि काफी लोगों को IPO लगा नहीं था दोस्तों, और IPO में लगा नहीं है तो दोस्तों आपको ये गिरावट में इसको बाय करना चाहिए या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, तो दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे। तो सुप्रिया लाइफ साइंस दोस्तों 5 दिन की अगर बात की जाए तो दोस्तों 5.70% की गिरावट है, वो आज की ही जो बड़ी गिरावट है, यानी कि पहले तेजी बनी थी और उसके बाद गिरा है तो ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम। एक मंथ के अंदर 20% से भी ज्यादा की तेजी हुई है दोस्तों। अब बट दोस्तों एक मिनट, अभी जो लिस्ट अभी थोड़े टाइम पहले हुआ है तो एक मंथ तक का चार्ट है हमारे पास दोस्तों। दोस्तों प्रीवियसली दोस्तों मैंने वीडियो अभी बनाया था कि जो एंजल वन में जो फ्री डीमैट अकाउंट का ऑफर चल रहा है और दोस्तों LIC का भी IPO आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लाभ उठा लीजिए। जो जीरो ब्रोकरेज का चार्जेस है दोस्तों उसका लाभ उठा लीजिए, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, फर्स्ट ईयर का AMC फ्री है, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई ये वीडियो के नीचे दोस्तों। अब बात करते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस। तो दोस्तों पहले पीयर कंपैरिजन दोस्तों, कोई भी स्टॉक होता है अगर सस्ता मिलता है और एवरेज अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो उसको बेस्ट बाय बोला जाता है। अभी पूरे फार्मा सेक्टर में गिरावट का दौर चल रहा है दोस्तों, तो सुप्रिया लाइफ साइंस भी वहां से छूट नहीं सकता दोस्तों। सब कैडिला हेल्थ केयर, बायोकॉन, आलकेम सबके स्टॉक है जो डाउन हो रहे दोस्तों, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन है फंडामेंटल। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे बिल्कुल, सितंबर 2021 का देखिए सेल्स और दिसंबर 2021 का सेल देखिए, तो बिल्कुल जो इन्वेस्टर ने जो पनिश किया है स्टॉक को वो बिल्कुल सही है। एक्सपेंस रो मटेरियल का प्रॉब्लम है जो मैं आपको कैडिला के वीडियो में बता दिया, मोरफेन के लिए वीडियो में बताया, ग्लेनमार्क के वीडियो में बताया कि एक्सपेंस ब्रॉट आउट मटेरियल महंगा हो चुका है और सेल्स में गिरावट आ रही, दोनों तरफ से मार पड़ रहा है। तो मैंने आप सबको बोला था दो क्वार्टर के लिए हमें वेट करना चाहिए, जो US में मार्जिन का प्रेशर है बड़ी कंपनियों में वो रिलीज होता हुआ अगर नजर आता है आने वाले क्वार्टर्स में, तब भी हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है दोस्तों। तो प्रॉफिट आधा हो चुका है लास्ट क्वार्टर से और नेट प्रॉफिट भी दोस्तों थोड़ी सी कम हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4.93 का EPS है, ऑलमोस्ट काफी नीचे आ गया है EPS दोस्तों। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर भी देखेंगे तो भी दोस्तों वहां पे भी भले ही अभी दोस्तों थोड़ा अच्छा लग रहा हो आपको, बट वो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो मूवमेंट अच्छा आ रहा था वो वाला नहीं होने वाला है, इसीलिए थोड़ी सी क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो प्रमोटर्स के पास 68.24 है और FII के पास 10.33 है और DII के पास 7.90 है और पब्लिक के पास दोस्तों सिर्फ 13.56 ही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों बड़े बड़े नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फंड में, निपॉन इंडिया, लाइफ इंडिया ट्रस्टी का जो है फंड है, कुबेर इंडिया फंड है दोस्तों, और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी फंड है। तो बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है FII और DII की। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल की बात करें तो दोस्तों 7.07% की शेयर होल्डिंग है रिटेलर के पास दोस्तों, और इंडिविजुअल शेयर कैपिटल एक्सेस ऑफ 2 लाख का भी देखें तो 1.18% है, तो वो ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मामूली सी होल्डिंग है, बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो 53,000 के आसपास के शेयर होल्डर है दोस्तों। बाकी दोस्तों B3 में अगर देखा जाए तो 13.56 है, उसमें भी दोस्तों 5% जो है वो बॉडीज, कॉर्पोरेट बॉडीज है, क्लियरिंग मेंबर्स है, उनके पास शेयर होल्डिंग है दोस्तों, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और बल्क डील जो हुई है तो दोस्तों वहां पे आप देखेंगे परचेज एंड सेल ही हुआ है, तो कहीं पे भी परचेज नहीं है अकेली, तो जो भी है वो क्लियर हो चुका है, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के चार्ट के ऊपर। अब हमें करना क्या चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब करना क्या चाहिए। हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्विंग लो से दोस्तों हम स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं और जो लेवल आपको निकल रहा है दोस्तों वो लेवल आ रहा है दोस्तों
61.8% का रिट्रेसमेंट, जो गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट में मानता हूं, और वही डेली चार्ट के ऊपर एक ही दिन में वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है। 84 लाख का वॉल्यूम है दोस्तों, जो आईपीओ के बाद दो दिन दोस्तों बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई थी दोस्तों स्टॉक में, और काफी ऊपर गया था स्टॉक, बट फिर एक स्टेबिलिटी दिखाई स्टॉक ने, फिर दोस्तों हाई गया, फिर स्टेबिलिटी दिखाई, फिर हाई गया, फिर दोस्तों एक स्टेबिलिटी दिखाई और फिर गिरा है दोस्तों। तो यानी कि जो उसका पैटर्न है कि थोड़ा स्टेबल होगा फिर हाई जाएगा, फिर स्टेबल होगा फिर हाई जाएगा, स्टेबल हुआ फिर नीचे आया, तो यहाँ पे दोस्तों लेवल आ चुका है 61.8% का, जो 46.74 है, जो हमने स्विंग लो जो आईपीओ के दिन हुआ था 28 दिसंबर का, और स्विंग हाई है उसको कनेक्ट करके बनाया हुआ है दोस्तों लेवल। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आज का जो डे है वो बहुत ही खतरनाक हुआ है और बहुत ही जबरदस्त हुआ है दोस्तों। अब 46.74 का जो लेवल है दोस्तों, उसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है दोस्तों। जैसे ही स्टॉक 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आया दोस्तों, सीधा दोस्तों देखिए वॉल्यूम तो ठीक रहा, बट दोस्तों बाउंस बैक आ गया, तुरंत ही बाउंस बैक आ गया, यानी कि लेवल जो है वो सटीक है हमारा, और वही लेवल को दोस्तों अभी वो तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है दोस्तों। अगर इस लेवल को सपोर्ट मिल जाता है, इसको 2-3 दिन निकालता है और उसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट होता है, तो फिर हमारा टारगेट 492 होगा। अगर यहाँ पे लेवल तोड़ देता है दोस्तों 466 का, तो फिर दोस्तों और गिरावट जारी हो सकती है। और पूरा फार्मा सेक्टर में दोस्तों अभी नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है दोस्तों, आप कोई भी फार्मा कंपनी उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे दोस्तों पैनिक ही दिखेगा। इवन मार्केट भी काफी टाइम से दोस्तों टूट रहा है, तो बजट में तो दोस्तों फार्मा सेक्टर के लिए कोई स्पेशल ऑफर्स आती नहीं है, कोई भी ऐसा रिफॉर्म्स या ऐसा कुछ आ जाता है अगर तो जबरदस्त तेजी हो सकती है। बट यूएस में जो है, जो फेड की मीटिंग्स में अगर पॉजिटिव रुझान आते हैं और दोस्तों जो मार्जिन का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम होता है फार्मा कंपनियों के ऊपर, तो यहाँ पे सुप्रिया की तरह दोस्तों बाकी फार्मा कंपनी में रिकवरी आ सकती है। बट जिसको नए बाय करने हैं दोस्तों, तो उनके लिए दो ऑप्शन है कि यहाँ पे एक रिस्क रहेगा कि ये लेवल शॉर्ट टर्म है दोस्तों, चार्ट है ना एक मंथ का भी नहीं है दोस्तों पूरा, ऐसे लेवल 61.8% के टूट जाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा नीचे मिलेंगे दोस्तों थोड़ा, तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। अगर यहाँ पे आपको लेना है तो यहाँ पे थोड़ा लीजिए, फिर 400 के लेवल के आसपास लीजिए, जो हमारा वैसे लो भी है दोस्तों 28 दिसंबर का 3883 का, वो ले लीजिए। कंपनी में फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर यहाँ पे फार्मा कैप में अगर पैसा लगाना है तो सुप्रिया लाइफ साइंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। मैं कैडिला हेल्थ केयर, मॉर्फेन लैब और उन सबको रेकमेंड करता हूँ, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है और वो सब, बट यहाँ पे भी दोस्तों ये अच्छी कंपनी है, अच्छे पेडिग्री की कंपनी है, तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं रखती है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बना है, कोई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए, और दोस्तों ये मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।